वो भी छूट गई। मेरे भाई आपकी नौकरी छूट गई है साहब, इन 500 रुपए से क्या होगा? हमारी माँ हमारी बहन घर में इंतजार करती होगी कि मेरे भाई का कोई खत कोई फोन अभी तक नहीं आया। ये पैसे लो और अपने घर पहुंचा देना। रही बात आपकी नौकरी छूट गई है, मैं प्रयास करूंगा कोशिश करूंगा। हाँ साहब, इतनी मेहरबानी जरूर कर दीजिए कि कोई काम यहाँ पर दिलवा दीजिए, आप तो यहाँ के अधिकारी हैं साहब। ये पैसे, हाँ साहब ये पैसा हम ले लेंगे, लेकिन एक शर्त पर। वो कौन सी शर्त? वादा कीजिए कि मेरे पास पैसा हो जाने पर ये पैसा आपको वापस लेना होगा। हमें मंजूर है। तो लाइए साहब, हमें भी मंजूर है। विशाल, धन्यवाद साहब, मैं चलूं। मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। कोई गलती होगी? पैसे देने के साथ साथ मैं आपका दाहिना हाथ अपने दाहिने हाथ में थामना चाहता हूँ। क्या मतलब? कंधे से कंधा मिलाना चाहता हूँ। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं साहब। आपकी ईमानदारी बहादुरी पे अपना धर्म का भाई बनाना चाहता हूँ। विशाल, हमको भाई? हाँ, और हाँ मेरी बात और सुन लीजिए। आज अगर हमको अपना दाहिना हाथ हमारे हाथ में नहीं देते हो, हमें कंधे से कंधा नहीं मिलाते हो, तो हमारी आपकी पहली और आखिरी मुलाकात, मैं किसी तालाब में डूब कर मर जाऊंगा, मैं किसी कुएं में डूब कर मर जाऊंगा, फांसी का फंदा लगा कर मर जाऊंगा, दोबारा ये चेहरा नहीं दिखलाऊंगा। अरे साहब, पुलिस वाले तो हमने बहुत देखे। अरे विशाल, हमको एक तरह का भिखारी समझ लो। जैसे साहब इतना शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? इतना शर्मिंदा हमको क्यों कर रहे हैं? हर दरवाजे पर पहुंचकर भिक्षा मांगते हैं झोली फैलाकर। उसी तरह से मैं आपका दाहिना हाथ चाहता हूँ। यानी कि आप? हाँ, धर्म का भाई हमारे कोई भाई नहीं है। अरे साहब, भाई भी दुनिया हमारी अस्तुरी है। अरे साहब, भाई तो हमारे भी कोई नहीं है। हम बहन भाई बसर करते हैं। यानी आपकी कहानी बिल्कुल मेरे जैसी है। हम भी बहन भाई हैं और आप भी बहन भाई। आपने मुझ बदनसीब को अपना भाई बनाना चाहा और हम इनकार करते हैं। ये हमारा अवभाग्य साहब, हमें इनकार नहीं करना चाहिए। आइए साहब, हम आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा हैं, सब कुछ है। पर साहब एक बात हमने और सुनी है, क्या ये सच है? क्या? हमारी अम्मा कह रही थी कि बेटा पुलिस वाले ना सगे बाप के भी नहीं होते, ये सही है क्या? विशाल, बात तो कहीं तक सही है, पर सब हमारे धर्म के भाई बन जाओगे, बन गए तो क्या हक हमारा होता है कि अपने जीते जी अपने भाई को हम कारागार दिखाएंगे? नहीं, मेरा मतलब मेरे भाई, मैं परमपिता परमेश्वर की कसम खाता हूं कि मेरे जीते जी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हमें पूरा भरोसा है साहब आपका। हाँ, जैसे हमने धर्म का भाई माना, उसी तरह से हमें भी वचन कि आपके साथ कोई धोखा नहीं करूंगा। अरे साहब, अरे विशाल, हमारे साथ अगर कोई धोखा नहीं करोगे तो याद करोगे कि किसी पुलिस वालों से हमने दोस्ती की है। हम उस पैमाने पे पहुंचाएंगे कि बस्ती जागीर के लोग याद करेंगे। साहब हमारे क्या औकात कि हम तुम्हारे साथ कोई गद्दारी कर सके? हो सकता है साहब, हम इंसान हैं, इंसान से ही गलती होती है। हमसे कभी कोई गलती हो जाए तो आप हमसे बड़े हमको जरूर माफ कर दीजिएगा। क्यों परेशान होते हो? मैं जाऊं? अरे हाँ साहब, कहाँ जाऊंगा, हम तो भूल ही गए, नौकरी तो छूट गई मेरी।
सेठ रतन लाल जी के यहाँ भी रहते थे। देखिए अब तो मेरे लिए रहने की कोई जगह नहीं है। जगह नहीं है, जगह मैं बताऊंगा। मैं जिस रास्ते से अपनी ड्यूटी पर जाता हूँ तो जो दो चार कमरे खाली है और जो कमरा उसमें से आपको पसंद हो उसी कमरे में रहना, किराया हमारी तरफ से रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, कम से कम रहने का ठिकाना तो होगा। हम तो सोच रहे थे कि नौकरी छूट गई, रहने का कोई जगह ही नहीं। अच्छा साहब चलिए चलिए, कोई दुकान मिलती तो वहां पर चाय पीते हैं चले, और ये पैसा अपनी माँ के ना मनी ऑर्डर कर देंगे। आइए साहब। भैया राम राम। कहित भैया राम राम। अरे साहेब राम राम। बोलो काम क्या है, रिपोर्ट लिखवाना है। भैया हम सुने न है कि जेल में कोनो डाकू बंद हवे, वही जल्दी आवा है। और भैया हम अपनी जिंदगी में कबो डाकू नहीं देखे। कहे डाकू देख के का रिश्तेदारी करबे हो का? ये देखी कौनी दिन के हुआ थे डाकू, बड़ा खोखार मने है। ओई के चक्कर में परबो न करे न मारी तो पिटे से नहीं। चक्कर वक्कर में हम ना परबे, हम खाली देखबे कि डाकू कौनी दिन के हुआ। अच्छा डाकू देखे भैया यो काया हाथ में ली है कट्टा है, कट्टा कट्टा। यो हमका जा अंग्रेजी अंग्रेजी आया चबैना वाला चबैना। सुनो काया जाओ खिड़की से देखना, उसके पास मत जाना ठीक है, तब तक हम चाय पी के आ रहे हैं। हम नहीं आते तो आप चाय पीने भी नहीं जाते। जाओ सरदार जी बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। सरदार जी, सरदार जी कौन है? सरदार जी कौन? मैं छेनू। छेनू? हाँ छेनू। हाँ सरदार जी। ये बता क्या मेरे कबीले की क्या हाल चाल है? कबीले के हाल तो सब ठीक हैं सरदार, लेकिन जब से आप गिरफ्तार हो गए हैं कबीले में 24 घंटे सुना सुना सा रहता है। ये बता तू तो ठीक है,
हाँ सरदार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल, क्या कहना चाहता है? सुनिए सरदार जी, मेरे लिए क्या हुक्म है और किसे करूं पर शेरों। हाँ सरदार, ये पूछना चाहते हो? हाँ सरदार, सुनो मेरी बात। बताइए। तो सबसे पहले लगाओ पत्थर, तुम यही सबसे पहले लगाओ, सबसे पहले लगाओ पत्थर तुम यही। सागर इंस्पेक्टर के परिवार रहता था, क्योंकि बदला मुझे पद कर से लेके क्वार्टर शहर में सरदार। बोलो। वो इंस्पेक्टर सागर ऐसी बस्ती जागीर में रहता है। सुनिए सरदार जी, उसी के बारे में सब कुछ पता है मुझे। उसके बारे में उसके बारे में सब कुछ और पता है मुझे। वो अकेला ही है अपने परिवार में, साथ में उसके है उसकी रूपा बहन और परिवार में उसके कोई नहीं। सरदार जी, इंस्पेक्टर सागर अकेला ही है, लेकिन उसके साथ में उसकी बहन जिसका नाम रूपा है। खेलू कहिए सरदार। रूपा। हाँ। और रुपया, जाके तुम उस रूपा को अपहरण कर लो और मैं तुम्हें वही काली पहाड़ी पर बरगद के नीचे मिलेंगे। ठीक है सरदार, मैं जा रहा हूं। जाओ। और बहुत जल्दी उस इंस्पेक्टर बहन, इंस्पेक्टर की बहन रूपा का अपहरण करके तुमको काली पहाड़ी बरगद पे नीचे मिलूंगा। जाओ। चलता हूं। जय मां भवानी। जय मां भवानी। Thank you.
यार इंस्पेक्टर साहब अगर बैठे रहते हैं और उनकी बहन आती दोनों में क्या बातचीत। अरे ये तैयारी बनाकर कहां निकली ये भैंस वगैरह और तेरा पैर जख्मी भी है कहां की तैयारी बना ली। अरे भैया कि अपना इलाज करवाते रहना लेकिन तू लापरवाही करती है और जख्मी होते हुए कहां की तैयारी बना कर ली। अरे भैया तो इतनी जल्दी भूल गए आज मेरी सहेली रेखा की शादी है बीरमपुर में। बीरमपुर में रेखा की शादी? हाँ तो जाना नहीं पड़ेगा जख्मी तो क्या हुआ बहन कार्ड तो आया था क्या बताऊं। एक तो वैसे हम उनके घर नहीं पहुंच पाते अगर इस मौके पर नहीं जाएंगे तो उनके घर के लोग क्या सोचेंगे क्या बताऊं बहन आप नहीं चलेंगे कैसा दिन उसकी मैं ना पहुंच पाऊंगा इसलिए उनसे मेरा क्षमा मांगना ऑफिस में काम काफी अधूरे पड़े करता हूं ना बहाना ये सच मानना। भैया अरे मिलती फुर्सत नहीं अब कौन काम से मिलती फुर्सत वहां का कार्यक्रम जब समाप्त हो जाए तो वापस आने की जरा जल्दी कोशिश करना। ठीक है भैया आइए चलिए। मुन्ना चला यहां से पैदल चलना है ना बिन नहीं जीना
मतलब यह है कि मैं बिल्कुल ठीक से गए पर हूं। कहां जा रहे हो? बात कर। क्या कहा? मतलब क्या है आपका? क्या बात? हाँ सुन, तेरे मुंह में ही बोली। बात मत करो, जो बात करना मुझसे करिए। क्यों? तुम कौन हो इसके? कौन हो? आपसे मतलब? मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ, कौन हो? कौन हो इसके? हम का है, कान दिखाओ फुकनी। तुमने नहीं मुझसे बदबू आ रही है, टट्टी खाया हो क्या? टट्टी खाओ तुम, तुम्हारा खाए परिवार में। सुनो, हमका देखो तो डराओ, कांपाओ, छर 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 पे साफ करो। तुम दुनिया के मालिक हो? ये हमारा दीदी हैं। काहे का मतलब है? अच्छा, तो तुम इनके भाई हो? हाँ, तो छह जने नहीं ना, अकेले हैं। अकेले हो? ले चलोगे क्या मुझे? तुम अगर खैरियत चाहते हो जानकी, चलो घुसो, तो एक किनारे हो जाओ। चलो घुसो। तुम हट जाओ मेरे रास्ते से, और नहीं तो पहले मैं तुझको ही ठिकाने लगा दूंगा। अच्छा, क्यों नहीं? ये तुम्हारी दीदी है? कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं जाऊं? तुमसे क्या मतलब? तुम कौन हो मेरा रास्ता रोकने वाले? मतलब है तुमसे रूपा। रूपा? हाँ, मैं तुमको खूब अच्छी तरह जानता हूँ। तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम डाकू छेनू सिंह है। क्यों रे? इतना सुंदर सुंदर मेरा नाम छेनू और तुम साले का। ऐसा है, तुम कबाब में हड्डी मत बनो। अरे हम कबाब, हट जाओ मेरे रास्ते से, और मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ तुम्हें मौतों भी आए, वो मेरा काम पूरा होने दो। अच्छा, तो मेरा नाम आप जानते कि रूपा है? हाँ, खूब अच्छी तरह। तब तो मेरे भाई का नाम भी तुम्हें मालूम होगा। वो भी मालूम है। मालूम है ना? हाँ? जेल की चक्की पीस लगता है, पीसना फिर है जेल की चक्की। किसी के भुजाओं में इतनी दम नहीं जो छीनों को गिरफ्तार कर सके। अच्छा, तो याद रखो मेम साहब, तो मेरा रास्ता छोड़ दो। रास्ता नहीं, मैं तुमको अपने साथ लेकर चलूंगा काली पहाड़ी पर, वो भी बरगद के नीचे। अच्छा, हाँ तो मेरी बात सुन फिर। कहो। अर जानता रास्ता कर भला कहता छोड़ दे। अच्छा ये बात है। अरे मैडम, तुमको ये नहीं मालूम है कि पके जब दूध में चावल तो उसे खीर कहते हैं, और पड़े मासूम की जूतियां उसे पीर कहते हैं। हमको अच्छी लगी ये तुम्हारी अदा, हमको एक नजर प्यार से तुम मुझे, तुझको अब जिंदगानी बनाऊं।
भलाई चाहती हो रूपा तो चुपचाप हमारे साथ चलो काली पहाड़ी पर। तेरी क्या औकात है मुझे ले जाने की? तेरी साल कमीने। वाह क्या बात है, तो राजी से नहीं चलोगी क्यों? अगर तुम राजी से मेरे साथ नहीं चलोगी तो याद रखो रूपा, जबरदस्ती यहां से काली पहाड़ी पर ले चलूंगा। देख मेरी औकात और देखता हूं मेरे हाथों से बचाने तुझे कौन आता है। कौन है तू? कहां इसको ले जा रहा? कौन है? मुझको जाहिर करो वरना चमड़ी बदन की उड़ा तू अभी निकताई अरेरी। जाहिर करो चमड़ी बदन की उड़ाओगे क्यों? अभी तुम हमको जानते नहीं। कौन है तुम्हें? जुबान संभाल कर बात करो। हाँ, मैं सही बोल। ओ नहीं तो जुबान को पकड़।